गोरखपुर रेलवे स्टेशन के कैबवे पर इन दोनों टिकट कलेक्टर यानी टीसी कार व साइकिल स्टैंड की पर्ची काट रहे हैं। कैबवे पर आने वाले वाहनों पर नजर रखते हैं। इसकी वजह है कि स्टैंड और कैबवे का ठेका अब लेने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि लाइसेंस फीस ज्यादा है और कोरोना के चलते वाहन से लोग कम आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अफसरों ने 3 शिफ्ट में टीसी की ड्यूटी लगा दी है और वे अब स्टैंड की पर्ची काट रहे हैं। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि स्टैंड के संचालन के लिए जल्द ही टेंडर होने वाला है। जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक रेलवे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो पूर्व की ड्यूटी के भांति ही रहेगी। टेंडर हो जाने पर सभी कर्मचारी अपने नियत स्थान पर ही ड्यूटी करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, देख लो यहीं पे नीचे बाबू थोड़ा सा यहीं पे जो हुआ मेरा टेम्पू है। पर्ची 60 रुपया दीजिए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं। कैबवे पर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था व्हीकल पार्किंग का, वो अभी ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस किया जा रहा है। उसमें कुछ समय लगेगा, मुझे लगता है 15 दिन 1 महीने में वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जो व्हीकल्स हैं, जो पार्किंग की व्यवस्था है, वो विभागीय कर्मियों द्वारा की जा रही है, जिसमें एक ग्रुप 4 एंड एक ग्रुप 3 का जो है के एम्प्लॉयज लगाए गए हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। कितने शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं सर? जो देखिए, रेलवे में जो भी विभागीय कर्मचारी ड्यूटी करता है उसकी एक निर्धारित समय सीमा है, एक होयर होता है रेलवे में जिसके अनुसार कार्य लिया जाता है, तो जो उसके लिए निर्धारित व्यवस्था है उसके अंतर्गत उन लोगों को ड्यूटी पर लगाएगा। सर, कर्मचारियों का कहना है कि लीक साइड की ड्यूटी ली जा रही है हमने। नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है, जब स्टैंड का कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं था, तो ऐसे में आम जन जो यात्री हैं, जो आने वाले हैं, उनको कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे विभागीय कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर लगाता है। ये जो प्रक्रिया है, ये आउटसोर्स की गई है और फिर से उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन द मीन टाइम जब तक कि कोई एजेंसी नहीं आ जाती है हमारे पास, तब तक विभागीय कर्मचारियों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और ऐसा होता रहता है कि जब भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस नहीं है तो रेलवे का कार्य नहीं रुकता है, क्योंकि रेलवे का कार्य लोगों के लिए है, यात्रियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, तो उनको सुविधाएँ मिलती रहें इसके लिए रेलवे निरंतर कार्यरत है।